ये टनल जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखने वाली है। आप सोचिए, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो अक्सर पढ़ाई के लिए जाते हुए, रिश्तेदारों से मिलने जाने के लिए, इलाज के लिए जाते हुए, व्यापार के लिए आते जाते समय, सामान की खरीद बिक्री के समय आपको परेशान कम होना पड़ेगा। रास्ते में देरी के चलते जो हमारे सेब खराब हो जाते हैं, हमारी वेजिटेबल्स खराब हो जाते हैं, यहाँ के किसानों का जो नुकसान होता है वो भी हम बहुत बड़ी मात्रा में कम कर पाएंगे। यहाँ श्रीनगर बनने वाली रिंग रोड हो, श्रीनगर शोपिया काजीगुंड नेशनल हाईवे हो, या फिर चेनानी सूद महादेव गोवा रोड हो, इनका पूरा होने पर आप लोगों का समय भी बचेगा और संसाधनों की बर्बादी भी कम होगी। राज्य के ऐसे इलाके जो बर्फबारी में महीनों के लिए कट जाते हैं उन्हें भी जोड़ा जा रहा है, उनके लिए हेलीकॉप्टर सर्विस मुहैया कराई जा रही है। ये भी आपकी जानकारी में है कि सरकार द्वारा श्रीनगर और जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भी काम प्रगति पर है। शहरों में पानी की सप्लाई और सीवेज की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अमृत योजना के तहत लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत से काम चल रहा है। जो एक और बहुत गंभीर विषय है जिस पर पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कार्य कर रही है, ये विषय है विस्थापितों का। जो लोग सीमा पार के हालत से तंग होकर यहां आए हैं, जिन्हें स्थानीय समस्याओं की वजह से घर छोड़ना पड़ा है, अलग अलग जगहों पर उनके पुनर्वास के लिए करीब करीब 3,500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। साथियों, आज जम्मू कश्मीर के अनेक युवा देश के दूसरे राज्यों के नौजवानों के लिए रोल मॉडल बन रहे हैं। सिविल सेवा में जब यहां के नौजवानों का नाम देखता हूं, उनसे मुलाकात करता हूं, तो मेरी खुशी दोगुना हो जाती है। मुझे याद है देश का सीना तब गर्व से चौड़ा हो गया था जब यहां बांदीपोरा की बिटिया ने किक बॉक्सिंग में भारत का नाम रोशन किया। तजामुल जैसे टैलेंट को देश बेकार नहीं जाने दे सकता। यही कारण है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के स्पोर्टिंग टैलेंट को निखारने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर के प्रयास कर रही है। इसी भावना के तहत यहां स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। भाई और बहनों, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को लेकर गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के साथ मिलकर कई नई योजनाओं को साकार किया गया है। हिमायत स्कीम के तहत यहां के 1,00,000 नौजवानों को ट्रेन करने की योजना पर काम चल रहा है। 16,000 से ज्यादा बच्चों को प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप किंग का लाभ मिला है। उन्हें देश के बेहतरीन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के अवसर दिया गया है।